हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा, वो भी घर पर और बिना तले हुए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले, आप रेसिपी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो सबसे पहले आपको लेना है बैंगन। यहाँ पे मैंने 6 से 7 बैंगन लिए हैं और उसे मैंने पहले कट करके चेक कर लिया है, क्योंकि बैंगन में बहुत कीड़े होते हैं। तो इसमें हम अच्छे से चेक कर लेंगे, हमारे फ्रेश एकदम बैंगन है। तो आप उसे गैस पे कोई जाली रखिए, या फिर डायरेक्ट आप गैस के बर्नर पे भी रख सकते हैं। तो इस पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो आप इसे इस तरीके से पलट पलट कर एकदम अच्छे से भूनिए, ताकि इसकी स्किन एकदम अच्छे से जल जाए। यानी कि इसे हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से भूनिएगा। तो ये भुनकर तैयार है। तो ये जो आप गांव में खाए होंगे या फिर ठेले वाले के सब पास जो खाए होंगे, एकदम सुनहरे, उसमें सोंधा सोंधा स्वाद आता है। तो आपको इसी तरीके से करने से बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। तो हमने इस पे 4 टमाटर, बिल्कुल रेड लाल टमाटर, आपको इसे एकदम अच्छे से भून लेना है और इसकी स्किन एकदम अच्छे से उतर जाए तब तक हमें इसे भुनना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 आलू उबले हुए। इसे मैंने पहले उबाल लिया है, उसके बाद भुना है, क्योंकि डायरेक्ट भुनेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे प्याज, 1 से 2 प्याज आपको भुनना है, और 1 गांठ लहसुन की आपको उसे भी भुन लेना है एकदम अच्छे से। तो ये वाला चोखा ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तब तक उसे हमें ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लिट्टी के लिए 1 किलो, यानी कि 1 किलो गेहूं का आटा, और उसमें 1 चम्मच अजवाइन और नमक डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। तो अगर आप क्वांटिटी कम रखे हैं तो कम डालिएगा। तो 1 किलो आटे के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पूरा भर के बेकिंग पाउडर डाला है। तो बेकिंग पाउडर जो कि केक में बनाने में यूज होता है वही, और बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें होल करेंगे और इसमें डाल देंगे घी, आप देसी घी डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, या फिर आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, या सनफ्लावर ऑयल जो आपको पसंद हो। तो घी डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा देसी घी। तो इसे हम मोयन लगाएंगे, 1 कप जितना देसी घी हमने लिया है इसमें 1 किलो आटे में। तो इसे अच्छे से पहले मसल लेंगे इसमें, और ताकि ये एकदम अच्छे से मिल जाए, बनना स्टार्ट हो जाए। तो समझ लीजिए आपका मोयन बहुत अच्छे से लग। तो अब हमें लेना है पानी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, गरम वरम कुछ नहीं करना आपको, बस पानी लेना है। और जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, यानी कि आटा गूंथते हैं, उसी तरीके से हमें गूंथ लेना है इसे। तो हम आटा गूंथेंगे पहले, और जो बचा हो उसे फटाफट पानी डालकर हम आटा गूंथेंगे। तो ये हमारा आटा गूंथकर तैयार है गाइस। तो आप डायरेक्ट अगर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा आपका टाइट बनेगा, इसलिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आप सूती कपड़े को थोड़ा सा गीला करके ढक के रख दीजिए। तो यहाँ स्टफिंग के लिए, जो उसमें भरा जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है तेल, और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, और 1 कप बेसन। आप चाहे तो भुना हुआ चना ले लीजिए, उसे डायरेक्ट मिक्सी में पीस कर उसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे करिएगा, वरना ये जलने लगेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें हमने ली है थोड़ी सी लाल मिर्ची, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काला नमक ले लीजिए, वो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डाल दिया, और इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 चम्मच। तो इसमें अब हम डालेंगे एक थोड़ा सा सादा नमक, क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1/2 चम्मच, और हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अब इसे अच्छे से भुनिए, ताकि एक अच्छी सी महक ना आने लगे, और हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत भुनिएगा। तो ये हमारे भुनकर तैयार हो जाए, तो इसे भी हमें गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इस पे
अचार का मसाला, अगर आपके पास घर पे अचार का मसाला हो तो उसे ज़रूर डाल दीजिए तेल के साथ, एक दो चम्मच, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये इस तरीके से हो जाए, तो हमें इसे गैस को बंद करके ये चीज़ करना है, अचार के मसाले डालना, वरना ये जलने लगेगा। और अब गैस को हम बंद करके उसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर हमारे ये जो हमने भून कर रखे हैं आलू बैंगन टमाटर, ये एकदम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो आप इसकी स्किन को निकाल दीजिए। थोड़ा बहुत लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल जो हम चूल्हे पे पहले बनता था ना, वही वाला टेस्ट आएगा आपको। चलिए फटाफट हम करके इस पर बैंगन को भी छील लेते हैं, आलू को छीलने के बाद, और देखिए कितने स्मूथली, कितने आराम से ये निकल जा रहा है। तो आपको बैंगन भुनने से पहले कट करके चेक जरूर कर लीजिएगा, डायरेक्ट बैंगन भुनेंगे तो उसमें आपका कीड़ा भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्याज भुना है, आप देखिए कितने स्मूथली से, कितने आराम से इसका निकल रहा है, और ये अंदर से एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। इसकी जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और इसे बहुत हमें एकदम बारीक नहीं कट करना है, आप इसी तरीके से कट करिए। तो जो दूसरा प्याज है उसे भी हम कट करके इसमें डाल देंगे, और जो लहसुन है उसे आप छील कर डालिए। तो फटाफट हम इसको भी छील कर, एक एक कली छील कर इसमें डाल देते हैं। तो ऐसा चोखा आपने कभी नहीं ट्राई करा होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबको छील कर रेडी कर लिया है, हाथों को एकदम अच्छे से साफ करके हम इसे मैश करेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे मैसर से भी मैश कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमने इसे मैश कर लिया है, और ये प्याज वाज एकदम अच्छे से इसमें पिस जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट, और वो जो चूल्हे वाले चोखे का स्वाद आता ना, बिल्कुल वही स्वाद आएगा। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लीजिए तड़के के लिए, और उसमें डालिए तेल, और कोशिश करिएगा आप सरसों का ही तेल लें, क्योंकि सरसों का तेल चोखे में बेस्ट होता है। और उसमें आधा चम्मच जीरा, जब थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आधा चम्मच हल्दी। डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए ये मैश किए हुए जो आलू बैंगन टमाटर हैं, ये सब डाल दीजिए। तो पूरा हमने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा, और इससे क्या होगा, चोखा हमारा गर्म भी हो जाएगा। और यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, आप ईमानदस्ते में कूट कर डालिएगा, तो ये जब कूटा कूटा रहेगा बहुत अच्छा लगेगा, वरना पेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा ये आपको। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च और 12 से 13 कली लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इसमें भी हम अचार का मसाला डालेंगे, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल के साथ थोड़ा बहुत डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं, और हमारा ये तैयार है चोखा। इस पे धनिया डालकर गैस को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इतने में हमारा चोखा भी रेडी हो गया, और इधर ये इसका टाइमिंग भी पूरी हो गई। तो इसमें देखेंगे आप थोड़ा सा खमीर उठेगा, ये देखिए, और इसे हम अच्छे से पहले थोड़ा सा नीट करेंगे। और अब इसे थोड़ा सा एक पार्ट ले लीजिए इसका, और छोटी छोटी लोइयां काटिए इसकी, बिल्कुल जो रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी। तो आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करके आप बना सकते हैं, या फिर तल के भी बना सकते हैं, बट तलने में ज़्यादा तेल लगता है। तो हम बनाएंगे इसे बिल्कुल अलग तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो पहले इसे हम इसे स्टफ्ड करेंगे, यानी कि भरेंगे, तो हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अब हम इसकी कटोरी बनाएंगे। आप गहरी सी एक कटोरी बनाइए,
तो ये इतना आसान, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए हमने इसे बना लिया है और इसमें डालेंगे हम बेसन वाली स्टफिंग। आप चाहे सत्तू का स्टफिंग भी भर सकते हैं इसमें। तो इसे इस तरीके से इकट्ठा करके थोड़ा सा आप प्रेस कीजिए दो उंगलियों से और इसकी एक लोई हमारी तैयार है, ये देखिए। और बाकी के जो बचे हैं ना, इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। तो लीजिए एक तैयार है, बाकी के हम इसी तरीके से तैयार हैं, इसको हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे रखेंगे अपम पैन पर। तो थोड़ा थोड़ा करके इस पर पहली बार में केवल आपको तेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तेल से ये अपम पैन कोटिंग हो गया ना तो आपको दोबारा बहुत ही कम लगाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो कुकर में कोई जाली हो आपके सेट करके, आप उस पर भी रख सकते हैं। कुकर में भी आपको डायरेक्ट बनाना है तो बहुत सी विधियाँ हैं, आप इसे तंदूर में या फिर डायरेक्ट गैस पे भी बहुत लोग बनाते हैं। तो हम इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और देखिए फूल कर डब्बे हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बॉल जैसे एकदम फूल चुके हैं। तो हम इस पे तेल से थोड़ा सा ब्रश कर देंगे और अब हम इसे पलट देंगे। मैं उंगलियों से कर रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हाथों से करिए, हाथों से मत करिएगा। तो चलिए इसे इस साइड से भी ढककर हम पका लेंगे, यानी कि रोस्ट कर, थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे जो बोला जाता हो। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से हो चुका है, दोबारा मैंने रख दिया। अब इसे हम ढककर रख देंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी, जी हाँ देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी, घर का लीजिएगा या फिर बाहर का भी ले सकते हैं। तो उसमें हम इसे डुबो कर निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा इस तरीके से बनाने में। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक प्लेट में कवर कर दीजिए सिल्वर पेपर से, जो कि एकदम रेस्टोरेंट वाले स्टाइल, ढाबे स्टाइल वाला लुक आ जाएगा। तो ले लीजिए हमारा लिट्टी तरह, आप इसमें देख सकते हैं क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो आप इसे चोखे और अचार के साथ सर्व कीजिए, प्याज और हरी मिर्च तो देना बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने भरा था ये देखिए स्टफिंग, इसकी फिलिंग कितनी अच्छी सी है। तो इसे चोखे के साथ सर्व कीजिए। और अचार जो हमने लिया है इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप अचार की रेसिपी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपने कमेंट लिखिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।